भारत माता की ऐसे नहीं भाई, जरा जोर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर फिर से एक बार सरकार बनाने के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विजय तेंदुलकर जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, बिचोली सीट के लोकप्रिय विधायक और इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान राजेश जी, संगठन का काम जिन्होंने महाराष्ट्र और गोवा में कई बार करा है, ऐसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र फड़के जी, श्रीमान सदानंद जी, श्री सुखाजी नाइक जी, श्री सतीश गांवकर जी और आज की सभा में उपस्थित प्यारे गोवा के भाइयों और बहनों, 4 तारीख को गोवा में चुनाव होने जा रहा है। मीडिया वाले सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस पार्टी जीतेगी, या दिल्ली से भी अभी अभी आए हैं हमारे केजरीवाल, कौन जीतेगा। सारे लोगों का अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मगर मित्रों मैं गोवा की जनता को कहने आया हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं। गोवा का प्रत्येक मतदाता जब वोट डालने के लिए जाए, ईवीएम के सामने खड़ा रहे, तब आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का नहीं। मित्रों ये चुनाव अस्थिरता और स्थिरता के बीच का चुनाव है। ये चुनाव पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। 10 साल तक एक खूबसूरत गोवा ने अस्थिरता जीती। मित्रों ये प्रदेश कहने में तो बहुत छोटा प्रदेश है, मगर खूबसूरत प्रदेश है, पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों को प्रिय हो ऐसा प्रदेश अपना एक गोवा प्रदेश है। और जैसे एक खूबसूरत चेहरे पर ईश्वर कहीं पर तिल रख देता है तो चेहरे की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं, इसी तरह से खूबसूरत हिंदुस्तान में गोवा एक तिल है। और 10 साल तक इस गोवा ने अस्थिरता देखी, 12 से ज्यादा सत्ता के अदल बदल देखे, भ्रष्टाचार देखा है, बेरोजगारी देखी है, एक के बाद एक स्कैमों की लाइन देखी है, और 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 2.5 साल से दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं इतने सालों का गोवा की रचना के बाद का आज तक का विकास और ये 2.5 साल और 5 साल का विकास, हम सबसे आगे निकलकर हिसाब देने के लिए गोवा की जनता को आए। मित्रों कांग्रेस यहां पर भी सत्ता में थी, देश में भी सत्ता। 2014 के चुनाव के पहले कांग्रेस ने 10 साल तक गोवा में भी शासन किया और 10 साल तक केंद्र में भी शासन किया, और मित्रों उन्होंने घोटाले ही घोटाले किए। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब उन्होंने घोटाले ही घोटाले किए।
अभी अभी राहुल बाबा पूछ रहे थे, आए थे गोवा भी आए थे, कि मोदी जी हिसाब दे 10 साल में क्या किया। अरे राहुल बाबा, जब 2019 में आएंगे तो एक एक सेकंड का और एक एक पाई का हिसाब भारत की जनता को देंगे। मगर आप हमें पूछ रहे हो कि हमने क्या किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, 10 साल के आपके शासन का हिसाब दीजिए। आपने 10 साल तक घोटाले ही घोटाले किए हैं, और घोटाले करने में इतने सारे घोटाले किए कि इसकी सूची बनाना भी दिक्कत हो जाए। इसरो का घोटाला किया, 2G का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, जवानों की विधवाओं को जो फ्लैट देने थे आदर्श सोसाइटी में उसका भी घोटाला कर दिया। खेलों के पैसे थे वो खेलों के अंदर भी घोटाला कर दिया, हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया, एरोप्लेन खरीदने में घोटाला किया। अरे कांग्रेस ने तो एक घोटाला ऐसा करा मित्र, एक चोरी ऐसी करी है जिसको चोर भी कभी नहीं चोरता है। पहले हमारे गांव में खाना पकाने के लिए इंगीठी, आप क्या कहते हैं मराठी में इसको, सगड़ी को क्या कहते हैं, सिगड़ी ही कहते हैं ना, सिगड़ी का उपयोग करते थे और अंदर कोयला डालते थे। मालूम है कोयले से खाना पकता था पहले। कोई भी परिवार जाकर देखिए ये कोयला कहां रखते थे। कोयला कोई भी परिवार होगा, गंदगी न हो, घर काला न हो, इसलिए घर के बाहर रखते थे। घर के बाहर रखते थे ना भाई कोयला। मेरी माताएं बहने इतनी बैठी है, बताए कोयला कहां रखते हैं भाई। वो बाहर इसलिए रखते थे कि कभी चोर कोयला चोरी नहीं करता था। चोर को भी मालूम था भाई कोयले में क्या चोरी करना है, खाना पकाने की चीजें छोड़ दो। मगर कांग्रेसियों ने तो कोयले की खदानों में भी चोरी कर इसके अंदर भी रखा था, कोयला भी नहीं छोड़ा इन्होंने। 12 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला भ्रष्टाचार करने वाले राहुल गांधी आज हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया। मित्रों, मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं, 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री है। 2.5 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए। इस तरह की सरकार हमने, और यहां पर गोवा में 10 साल तक आप शासन में थे, माइनिंग का स्कैम किया, लुल बर्गर घोटाला किया, इतने सारे घोटाले किए मित्रों कि पूरे गोवा का विकास ठप पड़ गया था। 10 साल तक गोवा का विकास ठप पड़ गया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में चाहे गांव हो या शहर हो, झोपड़पट्टी हो या अर्बन एरिया हो, हर जगह पे दिखाया है कि विकास किसको कहते हैं। परेकर और परसीकर ने 5 साल में गोवा में विकास किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, आज ही केंद्रीय बजट आया है, आपने देखा होगा 2014 में हमने कहा था राजनीति के अंदर से काले धन के दुष्प्रभाव को हम समाप्त कर देंगे। आजादी से अब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि पॉलिटिकल चंदों के लिए कोई कानून लेकर आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जो आपका चुना हुआ प्रधानमंत्री है, मोदी जी ने आज देश की पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी के बजट में निर्णय सुना दिया देश की जनता को कि देश के हर नागरिक को टैक्स चोरी और काला धन का अधिकार नहीं है, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी को भी अधिकार नहीं है। 2000 रुपये से ज्यादा चंदा कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश से नहीं ले पाएगी। हम जानते हैं ये फैसला लेने के साथ हमें भी दिक्कत आने वाली है, मगर हम मानते हैं मित्रों इस देश की राजनीति को काले धन के दुष्प्रभाव से मुक्त करना चाहिए, इस देश के चुनाव को
काले धन के दुष्प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए और देश में एक पारदर्शी चुनाव प्रणाली का लानी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टियां भी कैश में चंदा नहीं लेगी, चेक से चंदा लेगी, तो उसका स्रोत भी काला धन का नहीं होगा और जो सरकारें बनेगी वो भी पारदर्शी बन जाएगी। मित्र, बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जब चुनावी राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, चुनाव सुधारों का इतिहास लिखा जाएगा, लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता का इतिहास लिखा जाएगा, तब नरेंद्र भाई का ये फैसला उनके नाम के साथ हजारों सालों तक हिंदुस्तान के इतिहास में जुड़ने वाला फैसला। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज गोवा, जो मध्यम वर्गीय लोगों का एक प्रदेश है, सभी इनकम टैक्स के करदाताओं को जिनका इनकम 3 लाख से लेकर 10 लाख है, सबको बड़ी रियायत दी है। मित्रों, बड़ी रियायत देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमें कहते थे नोटबंदी के बाद क्या फायदा होगा देश के प्रामाणिक करदाता को, कर का बोझ घटाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसी बजट के अंदर किसानों को ऋण देने के लिए 10 लाख रुपए 10 लाख करोड़ रुपए तक की योजना बनाकर नरेंद्र भाई ने नाबार्ड के हाथ में पैसा दिया है, जिससे एक गरीब किसान को ऋण मिलने वाले। इसी योजना के अंदर बेरोजगार युवा को, जो अपने खुद का कुछ करना चाहता है, गरीब परिवार का युवा, एक छोटी सी दुकान निकालना चाहता है, कोई डॉक्टर बनकर अपनी डिस्पेंसरी खोलना चाहता है, कोई चाट का ठेला लगाना चाहता है, कोई हजाम की दुकान खोलना चाहता है, कोई कारपेंटर के चीजें लाना चाहता है, इन सबको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की जो लिमिट थी वो 1,22,000 करोड़ रुपया, मतलब डबल करने का काम ये भारतीय जनता, बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मनरेगा के अंदर 48,000 करोड़ रुपया 48,000 करोड़ रुपीज का काम किया है मित्रों, और ये सब करने के बाद वित्तीय घाटा भी, फिस्कल डेफिसिट भी, जो कांग्रेस के जमाने में 5-6% पर पहुंच जाती थी, इसको 3.2% पर निश्चित कर दिया। इसको कहते हैं शासन कैसे चलाना है। मित्रों, स्टेबिलिटी और विकास, ये दोनों अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। मित्रों, ये बहुत स्पष्ट है, हर अखबार लिख रहा है, हर अखबार बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, मगर मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आज बहुमत के लिए नहीं आया। मैं आपके सामने आया हूं कि अगर स्थिरता देनी है तो गोवा वासी, गोवा का मतदार इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से चुनाव जिताकर भेजे, हम 5 साल के अंदर गोवा के विकास को बहुत आगे भेजेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता मनोहर पर्रिकर जी गोवा से आते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री थे, यहां पर विकास की नींव डालने का काम पर्रिकर जी ने किया, और उनको जब केंद्र में ले गए तो मोदी जी के नेतृत्व में वो देश के रक्षा मंत्री बने। रक्षा मंत्री बनने के साथ ही 40 साल से सेना का जवान जिस वन रैंक वन पेंशन की डिमांड के साथ सभी सरकारों के सामने गिर गिराता था, मनोहर जी ने एक ही साल के अंदर 40 साल पुरानी डिमांड मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर दी, और वन रैंक वन पेंशन की योजना आज हमारे जवानों के परिवार को लिए आशीर्वाद बनकर खड़ी है, और 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया पुराना जो देना था वो सभी जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया। और मित्रों, हमारी सीमाएं, ये सोनिया मनमोहन की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमारी सीमाओं का मखौल उड़ाता, मजाक उड़ाता, आए दिन पाकिस्तान से गोलीबारी होती थी। अभी अभी
राहुल बाबा पूछते कि मोदी जी आपकी सरकार में आज भी गोलीबारी होती है, हमारी सरकार में भी होती थी, क्या फर्क पड़ गया? राहुल बाबा, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ गया। जब आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उस वक्त गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना कर दी थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना ही कर देती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री है और मनोहर पर्रिकर उसके रक्षा मंत्री है। तो आज भी गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है, मगर उसका अंत, उसकी समाप्ति भारत की फौज करती है। मित्रों, भारत की फौज, वहां से गोली आती है, यहां से कोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों, आज हमारे सेना के जवानों का सर काटने की किसी की हिम्मत नहीं है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाकिस्तान के प्रेरित आतंकवादियों ने उरी पर हमला कर दिया, सेना के कैंप पर हमला कर दिया और सुबह 4 बजे तड़के सोते हुए जवानों को लड़ने का मौका भी नहीं दिया और जिंदा जला दिया। पूरा देश गुस्से से क्रोधित हो चुका, हताशा से क्रोधित, सब कहने लगे क्या हो गया, 12 जवानों को जिंदा जला गया, जला दिया गया। मगर इस बार सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सेना को ऑर्डर दे दिए गए और हमारे जवान पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को ठोककर सलामत वापस। इसको कहते हैं देश की सुरक्षा करने वाली सरकार आए तो किस तरह से देश चलता है। मित्रों, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस वक्त कांग्रेस के माइनिंग बैन के कारण बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हुई। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर पर्रिकर सरकार ने एक योजना बनाकर 8,000 से 12,000 रुपया पर व्हीकल उनको मदद कर उनके जीवन को आगे चलाने का एक रास्ता दे दिया और धीरे 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 माइनिंग शुरू हो गया और बेकारी का जो, बेरोजगारी का जो यहाँ पर सवाल था उसको भी क्लियर कर दिया। 1500 रुपया गृह आधार के लिए हर महिला के बैंक अकाउंट में सीधा आज पहुंचा जाता है, जिसके कारण माता और बहनों के न्यूट्रिशन की संभाल होती है। लाडली लक्ष्मी सिम देश में बहुत जगह पे है, मगर मैंने गोवा सरकार जैसी संपूर्ण लाडली लक्ष्मी स्कीम नहीं देखी जो गोवा की बेटियों की चिंता करे। बहुत सारे काम, मेडिकल कॉलेज का कार्डियक विभाग देख लीजिए, आपको मुंबई से मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रकार का कार्डियक विभाग यहाँ की मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है। जुआरी नदी पर एक ब्रिज बनाने का काम 3,000 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता से चल रहा है। मांडवी नदी पर भी ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। वास्को पोर्ट ट्रस्ट में फिशिंग जेटी बनाकर फिशिंग करने वाले भाइयों के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। गोवा सीपीआर में 36,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपया, शायद ही आजादी के बाद इतनी बड़ी रकम गोवा के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने भेजी होगी। 36,000 करोड़ रुपया वहां पर एक ऑर्डर देकर गोवा के युवाओं के लिए रोजगारी के नए रास्ते खोले। एमपीटी के मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी भारत सरकार ने बहुत बड़ी सहायता की है। 4 लेन नेशनल हाईवे पार्ट 2 500 करोड़ की लागत से बनाने की शुरुआत की है और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, रोजगारी के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेकर गोवा सरकार और भारत सरकार आई है। एक नया नेपा हवाई अड्डा गोवा के
विकास के रास्ते खोलने वाला है और उसके इससे कम से कम गोवा जैसे छोटे स्टेट में 20,000 से ज्यादा लोगों को नेपा हवाई अड्डे के कारण रोजगारी मिलने वाली है। तो गोवा तिरुपति ट्रेन भी चालू कर दिया गया है और 5 साल में केंद्र सरकार, जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब 5 साल में केंद्र सरकार ने गोवा को 4,000 करोड़ रुपया की मदद की थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक 2.5 साल में 7,500 करोड़ रुपया भेज दिया। 5 साल का हिसाब लगाइए, 5 साल का हिसाब लगाइए तो जो कांग्रेस की सरकार 4,000 करोड़ रुपया देती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15,000 करोड़ रुपया गोवा के विकास के लिए भेजने वाली है। तो इसको कहते हैं डबल इंजन ग्रोथ। एक इंजन गोवा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी है और दूसरा बड़ा इंजन नरेंद्र मोदी सरकार का भी लगा है। दोनों इंजन गोवा के विकास के लिए एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और ये दोनों इंजन है तो आप समझ सकते हो विकास की गति कितनी ज्यादा होगी। मित्रों, यहाँ पर गोवा की जनता के सामने प्रताप सिंह राणे भी है, दिगंबर कामत भी है और एक और मनोहर परिकर और परसीकर है। आप बताइए कोई भी गोवा का नागरिक किसको चुनेगा, कांग्रेस को चुनेगा या भाजपा को चुनेगा? जरा जोर से बोलिए, किसको चुनेंगे आप? मित्रों, गोवा में से बहुत सारे फोन पत्र मुझ पर आते हैं, परिकर जी को वहां से यहां भेज दीजिए, बहुत फोन आते हैं, बहुत पत्र भी आते हैं, मगर परिकर जी का देश में भी बहुत बड़ा काम है, वो रक्षा मंत्री का दायित्व तो संभालते हैं, मगर पार्टी ने तय किया है कि हमने सभी ऑप्शन खुले रखे हैं, अगर गोवा की जनता कहती है तो इस पर भी चुनाव के बाद पार्टी विचार कर सकती है। मित्रों, परिकर जी यहां हो या वहां हो, गोवा के विकास के लिए कटिबद्ध है, गोवा के विकास के लिए 24 घंटा चिंता करने वाला व्यक्ति है और नरेंद्र भाई और गोवा सरकार दोनों मिलकर गोवा को एक मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं। तो कैसा स्टेट? जो हर तरह से संपूर्ण हो, एक ऐसा स्टेट जिसके समस्या रहित, इस प्रकार का स्टेट बनाना चाहते हैं। मित्रों, हमें चाहिए आपका आशीर्वाद। अगर इस 4 तारीख को ये अपप्रचार करने वालों के भ्रामक प्रचार से बाहर निकलकर गोवा की जनता 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है तो मैं आपको कहता हूं अगले 5 साल में गोवा देश का मॉडल स्टेट बनकर देश के सामने होगा। आप मुझे बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? अरे ऐसे नहीं भाई, मोदी जी को दिल्ली में मालूम पड़ना चाहिए। जोर से बोलिए, हाथ ऊपर कर बोलिए, भाजपा की सरकार बनाएंगे? कमर के निशान पर बटन दबाएंगे? नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे? मित्रों, और आज आप एक संकल्प लेकर जाइए कि जब चुनाव का दिन हो, ईवीएम मशीन के सामने आप खड़े हो और कमल के निशान पर बटन दबाते हो तो बटन तो कमल के निशान पर जरूर दबाइएगा, मगर इतनी जोर से दबाइएगा कि बटन गोवा में दबे और करंट इटाली में जाकर लगे। करेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी को गोवा के विकास का मौका देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज ये हमारे 2 प्रत्याशी हैं, श्री राजेश जी और श्री प्रमोद जी, दोनों को मैं कहता हूं आगे आइए, आप लोगों के आशीर्वाद हमारे दोनों प्रत्याशियों को आप दीजिए, ताली बजाकर स्वागत कीजिए और बहुत बड़े बहुमत के साथ दोनों को चुनकर गोवा की विधानसभा में भेजिए। इसी के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।